संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक आज अजमेर के जेलन मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने कॉलेज सहित अस्पताल प्रशासन के साथ कोरोना वायरस को लेकर चर्चा की। चर्चा के दौरान आरुषि मलिक ने सभी अधिकारियों को कोरोना वायरस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के निर्देश दिए। इस दौरान मलिक अस्पताल के वार्डों में भी पहुंची और वहां पर भर्ती मरीजों के हालचाल जाने। इसके बाद मलिक शहर के उन इलाकों में भी पहुंची जहां पर पिछले दिनों कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मलिक ने कहा है कि कोरोना को लेकर प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी जगहों पर जांच में तेजी लाए, ताकि जो कोरोना संक्रमित है वह सामने आए और उनका इलाज जल्द हो। वहीं आज जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव और पाए गए हैं। हाँ, अभी तो मेडिकल कॉलेज में हमने जो विभिन्न हमारी कोरोना वार्ड की तैयारी है या साथ में टेस्टिंग किस तरह से टाइमली हो सके, इसको रिव्यू किया गया है। कंज्यूमेबल्स जो शॉर्टेज है उसमें हमें उच्चाधिकारियों को भी निवेदन किया गया है कि अन्य किसी हमें मेडिकल कॉलेज से जो प्लास्टिक वेयर जिसका शॉर्टेज है वो उपलब्ध हो जाए। इसके साथ ही एडिशनल स्टाफ किस तरह से हमारे माइक्रोबायोलॉजी विंग में मिले, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और ये अपनी सैम्पलिंग समय पे हो सके, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अभी मैंने जो प्रोबेबल हमारे सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं या हाई रिस्क जो ग्रुप है जिसके अभी सैंपल्स लिए गए हैं, उनसे भी चर्चा करी, तो एक चीज़ ये निकल के आई कि 4-5 दिन हो गए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी सैंपल रिपोर्ट का, उसको हम जल्दी से जल्दी ब्रिज करेंगे और उससे अधिक से अधिक एक दिन रहे, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और अभी मैं हाई जो हमारे कोई ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे पिछले कल छः पेशेंट्स मिले डिग्गी बाजार, उस क्षेत्र में भी मैं भ्रमण करके देखेंगे कि कंटेनमेंट जोन की क्या तैयारी है। सर, क्या कुछ खास दिशा निर्देश दिए मैडम ने आज दौरा किया संभागीय आयुक्त ने? देखिए, इन्होंने पहली बात यह है कि बहुत इंटरेस्ट से सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली, एक एक चीज़ को समझा कि हमारी टेस्टिंग कैसे होती है, फिर हमारी रिपोर्टिंग में क्या प्रॉब्लम है, मरीजों की व्यवस्थाओं में क्या इंजाम है, मरीजों से बात करी, उनको खाना कैसा मिल रहा है, उनकी रिपोर्टिंग कितने दिन में आ रही है, उनको पानी कैसा मिल रहा है, उनको यहाँ दवाइयाँ पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, डॉक्टर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और जितना मुझे समझ में आया उन्होंने सभी बातों में पूरा संतोष व्यक्त किया। ये हमारे लिए अच्छी बात है। और जो छोटी मोटी उन्होंने निर्देश दिए हैं हमको दिए हैं कि भाई आप रिपोर्टिंग दोबारा से देखिए, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा है कि हम DO कंप्यूटर ऑपरेटर लगा के रिपोर्टिंग को टाइमली डिस्पैच करें, और माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के उन्होंने कहा था कि मैडम को कुछ थोड़ा इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की और प्रॉब्लम है। अभी हमारे सामने इन्होंने सेक्रेटरी महोदय से बात की, कुछ प्लास्टिक वेयर जो लैब में काम आते हैं वो कमी थी, उनके हाथ क्या, उन्होंने सेक्रेटरी साहब से बात करके उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करी कि अभी वो प्लास्टिक वेयर हमको जल्दी दिलाएं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक्टिवली हम चीज़ों को समझ के और हाथ क्या चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश की। तो हम भी उससे, हमें भी हमको लगता है उत्साहवर्धन हुआ है कि एक बड़ा अफसर हमारे साथ है। सर, आज जो है